वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दफा फिर तुहाडी खिदमत च हाजिर है बाबर बेग ए बी एच डी टीवी की तरफों। तो नादरीन असी अज एक बड़े ही हसास मौजू पर गल करांगे। साढ़े नाल मौजूद ने ड्रामे के डायरैक्टर, काफ़ी उम्र अपनी शोबिज़ नूं दे चुके ने। तो रहिल जाज साहब नाल गल करांगे तो उन्होंने पूछांगे ये सफ़र उन्होंने कदों शुरू किया तो कितने ख़त्म होएगा। साढ़े नादरीन दसो कि तुसी अपने फन का जिहड़ा सफ़र है कित्थों शुरू किया तो कदों किया, कितना अरसा हो गया? टाइम तो काफ़ी हो गया, जिते तक मैं याद है 87 की गल है जो मैं अपने फन का स्टार्ट किया। और आहिस्ता आहिस्ता शौक उजागर होया कि मैं इस फील्ड में ज्वाइन करा। बेसिकली मैं पहले एज ए व्यूअर सा, उस तो बाद फिर एज ए प्रोड्यूसर होया, उस तो बाद फिर एज ए एक्टर होया, उस तो बाद फिर एज ए डायरैक्टर होया। तो हूँ बस कभी राइटर डायरैक्टर इनकलूड एज ए एक्टर भी कर रहे हैं, एज ए प्रोड्यूसर भी कर रहे हैं, एज ए डायरैक्टर भी कर रहे हैं। मौजूदा जिहड़ा दौर है इहदे विच डायरैक्टर नाम दे बंदे दी जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 32 साल दे अरसे च पहले होंदी सी डायरैक्टर दी एक अहमियत होंदी सी। जरूरत है लेकिन हम जरूरत महसूस ही नहीं करते। हुण इत्थे कास्टिंग पहले हो जाती है, स्क्रिप्ट बाद विच खुलदा है, एक गल। उस तो बाद एक बड़ी मतलब मायूसी जी होंदी है, गल कहंदे दुख होंदा है कि इस 32 साल च मैं अपनी जिंदगी दे 32 साल इस फील्ड नूं दे दित्ते। 52 साल मेरी उम्र है, मतलब मैं 18-19 साल दा सां तां मैं इस फील्ड च आया वहाँ। सीनियर जूनियर जूनियर की कोई हुण रेपुटेशन नहीं है, कोई रिस्पैक्ट नहीं है। पहले सीनियर दे कोल असीं अपने उस्तादां कोल खलो के गल नहीं कर सकने सां। हुण ते सीनियर जूनियर का कोई चक्कर ही नहीं है, हुण नाल बैठी हसी मजाक भी हो रहा, बदतमीजी भी कर रहे होंदे, कोई पता ही नहीं चलता। तो उस तो बाद ये कि कोई मनदा ही नहीं किसी नूं, वो कहंदे ने मैं वहाँ, वो जूनियर है या सीनियर है। दो दिन दो ड्रामे करते हैं बच्चे या लड़कियां, दो ड्रामे कर दिया ने, अगले दिन कह दें जी हम स्टार है। और रूम भी सैपरेट मंगती है, प्रोटोकॉल भी मंगती है, काम तो उन्होंने नहीं पता होता। और सब तो अहम जी गल है मैं करना चाहवागा उन्होंने दोस्तों लिए, जेडे मेरे कुलीग ने दोस्त ने जोड़े एज ए प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं, उन्होंने मैं एक अपील कराँगा कि ये राह जाती कुड़ियाँ कास्ट ना करो। कुड़ियाँ वो कास्ट होनी चाहिए जी कि ऑलरेडी पता हो उन्होंने फन नाल लगाओ है, आर्ट कौंसल तो उन्होंने कोई सनद मिली हुई है या उन्होंने कोई एक्टिंग आती है। इतने जिहड़ी कुड़ी दो ठुमके ला ले वो आर्टिस्ट है, जिहड़ी असल आर्टिस्ट ने वो सारिया घर बह गई ने, तो जिहड़ी उन्होंने कुछ भी नहीं पता वो स्टारा बनिया फिर रही इस टाइम। लेकिन रेल साहब कितने ने साढ़े अदारे, कितने ने आर्ट्स कौंसल, कितने वे ड्रामा, कितने वे यदि स्टोरी, कितने वे यदि थीम, कितने वे कितने चला गया सारा कुछ, अदब कितने वे? अदब तो बस कह लो कि मूँह का अदब रह गया मौके पर, जड़ा अदब हो गया हो गया, उस तो बाद उठ के बंदा जाता तो अदब शदब खत्म हो जाता सारा। रह गए इदारे, इदारे नूं चाहिए कि साढ़े नाल तावन करन, इस चीज़ पर गौर करन ताकि जिहड़ी वायलेशन होंदी है वलगरैटी जिथे जिथे हो रही है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ख़ास कर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होना चाहिए है। और जिहड़ी कौंसल है उसका काम है कि वह अच्छे तरीके नाल ड्रामे की रिहर्सल चैक करे, उन्होंने ड्रेसिस चैक करे, उस तो बाद प्रॉपर उन्होंने ताकीद की जाए कि भाई तुम इस स्क्रिप्ट काम करना, स्क्रिप्ट तो हट के नहीं जाना। अगर वो जा रहे ने उन्होंने एक दफ़ा दो दफ़ा वार्निंग करन, तीसरी दफ़ा बकायदा बैन करन। जदों दो चार कुड़ियाँ दो चार मुंडे अच्छे बैन होंगे उन्होंने पता चलेगा भी 3 महीने असं हूँ एज ए एक्टर काम नहीं कर सकते, वो फिर पेन लैन के काम दे, फिर अपना उसकी जड़े ने कह लो कि रिहर्सल करे, तवज्जो देंगे, फिक्र करे। इतने की है इतने रिहर्सल कोई नहीं, हुण मौका ही नहीं मिलता है। टाइम इन टाइम तो कुड़ियाँ आदि ने, इन टाइम मुंडे आते हैं। ड्रामे का टाइम मिसाल है कि 11 बजे का, तो 10 बजे टीम आ रही होंगी है, या अगर जिस दिन दो शो होंगे ने 1 घंटा पहले टीम आती है, मौके पर डायरैक्टर उन्होंने की दसेगा? वो फिर जितनी उसकी समझ आएगा उतना ही दस सकता है, उसके मुताबिक वो ड्रामा हो जाता है, या फिर वो ड्रामा तुक्का लग जाए तो फ्लॉप हो जाता है या हिट हो जाता है। लेकिन रेल साहब जिहड़ा ड्रामे दे जो हालात जा रहे ने, दिन ब दिन दा ग्राफ जिहड़ा है वो बैक जा रहा है, ग्राफ जिहड़ा थले जा रहा है, अगर इस तरह ही थले जाता रहेगा तो एक दिन बंद हो जाएगा। कि जिहड़ा एक्टर स्टेज पर काम कर रहा है ये खौफजदा नहीं, इहनूं इस गल की फिक्र माश नहीं, अगर ये बंद हो जाएगा फिर इस सैक्टर नूं इन्ने पैसे कौन देगा, ये कित्थों कमाएगा, फिर की करेगा,
इन्हां ते होर काम ही कोई नहीं होंदा। मेरा ख्याल है कि जेड़े के अनलीगली तरीके नाल काम करदे ने और जेड़े के इस चीज़ की पेन नहीं लैंदे इस फील्ड के हवाले, जेड़े आर्टिस्ट हैं, फीमेल्स हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, विद मी सब तो पहले मैं, एक काम उन्हां वास्ते बंद हो जाना चाहिए। जदों दो चार महीने कार बैन गए फिर उन्होंने पता है यार से वेले हो गए, वह फिर तवज्जो देगा, वह फिर रोज़ रात को पढ़ेगा, स्क्रिप्ट भी पढ़ेगा, सोचेगा भी, लिखेगा भी अच्छा, और कोशिश करेगा टीम ऐसी करे कि जेड़ी कि उसके कहते हो प्रॉपर कहते, जी कास्टिंग होती है वो तो उस तरह से फिर उसका स्क्रिप्ट और उसका ड्रामा हिट जा सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। और इस चीज़ से सख्ती नाल नोटिस लेना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फीमेल्स ऐसी आ गई ने, बहुत ज़्यादा ऐसी फीमेल्स आ गई जिन्हों का कोई पता ही नहीं है, पर वो कहती ने असी आर्टिस्ट हाँ, उन्होंने ना डायरेक्टर ना गल करने का सलीका है, ना प्रोड्यूसर ना गल करने का सलीका है, उन्होंने किसी का फोन करवा देना है कि जी फलानी कुड़ी आ रही है इनू कास्ट करना है, भावें उसकी गुंजाइश होवे ना होवे वह तलक वास्ता दे के किसी तरीके उस मजबूरन रखना पैंदा है। ये नहीं होना चाहिए, कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए अपने काम में, बिल्कुल सिंसियर होकर करना चाहिए। नाज़रीन एक टाइम सी कि दुनिया के पाकिस्तान का लोहा मनिया जाता सी साड़ी फिल्म सी, अज भी असी गिनज़ ऑफ बुक जो खोलने असी गिनज़ ऑफ बुक चुकने तो उस पाकिस्तान के आर्टिस्टों का नाम सारे फ्रिस्त निकलता है। और मैं कल पढ़ के हैरान हो रहा सी एक रिपोर्ट कि हले तक भी पाकिस्तान के आर्टिस्टों का रिकॉर्ड कोई दुनिया से तोड़ नहीं सकिया वर्ल्ड लैवल से, और साड़ी फिल्म जी वो टोटल 90% तबाह हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसका रीज़न रवायती रूटीन दियाँ स्टोरियाँ, रूटीन का मैटर वो कर करके, उस तो बाद टीवी ड्रामा साड़ा प्राइवेट प्रोडक्शन चला गया है, उसका सिस्टम जो मार्केटिंग बन गया है, जोड़ा जिनी मार्केटिंग कर लैंदा जिन्हें इश्तहारात कट्ठे कर लैंदा उसका ड्रामा उन्ना हिट चला जाता है, वो एक लॉबी सिस्टम है। रही गल स्टेज की, तो स्टेज भी दिन ब दिन बर्बादी की तरफ गामजन है। इतने जोड़े आर्टिस्ट काम कर रहे हैं इन्हों सोचना होगा रेल सब कि जोड़ा मौजूदा डांस जो हो रहा स्टेज पर ये ड्रामे का हिस्सा है, आर्ट का हिस्सा है, बस यही है। तो डायरेक्टर मैं थोड़े को पूछना चाह रहा इन्ना ही, डांस गाना सिचुएशन अगर आके कोई सॉन्ग है, कोई फ्लूट है, कोई म्यूजिक है, या कोई अपना डुएट सॉन्ग है, वो एज ए परफॉर्मर है। डांस का किसी जगह पर भी आर्ट का जिक्र नहीं है, ना ये स्टेज का हिस्सा सी ना है। यह बाद कराची तो पता नहीं किड़े शहर तो सिस्टम शुरू होया, करते करते पूरे पंजाब तो फैल गया। दूसरी गल मेजर गल मैं एक और करांगा कि साड़ी बहुत सारी आर्टिस्ट हैं ऐसी ने, अल्लाह पाक उन्होंने हिदायत देवे कि वह अपनी तस्वीर लवा लेंदियां ने लेकिन नहीं आंदियां, वो ये नहीं देखदियां कि इसके पीछे प्रोड्यूसर का कितना लॉस है, पब्लिक डिस्टर्ब होती है, थिएटर डिस्टर्ब होता है, प्रोड्यूसर डिस्टर्ब होता है, डायरेक्टर डिस्टर्ब होता है, टीम डिस्टर्ब होती है। मिसाल के तौर पर चार कुड़ियां कास्ट की, चार कुड़ियां प्रॉपर रोल पर नहीं आएंगी, अगला आर्टिस्ट की करेगा, एक करैक्टर मिस हो गया। जिस तरह एक एक दाना करके माला परोई दी है, इसी तरह एक एक आर्टिस्ट इकट्ठा करके एक माला बनती है, ता जाके कोई ड्रामा बनता है। लेकिन ये लोग इस चीज़ की पेन नहीं लेंदे, टाइम पर ना आना, तस्वीर लवा लेना, एडवांस मंगवा लेना, ना आना, चलो एडवांस भी खैर एडवांस भी वापस आ जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सब तो बड़ी गल ड्रामा डिस्टर्ब हो जाता है। आर्टिस्टों को चाहिए मेल है फीमेल है स्टार्स ने लोकल हैं पहला ड्रामा या लातदार ड्रामे किते ने, उन्होंने कोशिश करनी चाहिए कि अगर एक जगह पर कमिट कर लो तो अपने टाइम पर पहुँचो, उस काम को कम समझ के करो, ना कि सिर्फ यह सोचो कि मैं जाना है एंट्री करनी है और एंट्री करके गाना करना ईजी होकर बैठना, नहीं ये काम नहीं है, वो डांसर ने फिर एक्टर नहीं है। लेकिन रेल साहब जोड़े लोग कमिट करके मेल या फीमेल जोड़े ने कमिट करके अगर वो ड्रामे तो नहीं पहुँचते तो ये वास्ते कोई कानूनी तरीकाकार मौजूद नहीं कि तुम उसके कार्रवाई कर सको या उसके आवाज़ उठाओ? सारा कुछ है, लेकिन अफसोस ये है कि आजकल दौर इस तरह के सिफारशी दौर है साड़ा, एक फोन जाता है अगला करैक्टर ईजी हो जाता है। लीगली जाओ तो असूली तौर पर जिते जिते आर्टिस्ट जाते हैं इन्हों के एग्रीमेंट साइन होने चाहिए, एग्रीमेंट के मुताबिक वो पहले उन्होंने पढ़े अच्छे तरीके, अगर उसको एक्सैप्ट करता है सारे एग्रीमेंट न फिर उससे साइन करे और उसते अमल करे, और अगर उससे वो अमल नहीं करता तो और अमल खिलाफवर्जी करता है तो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को चाहिए कि उसके खिलाफ एक्शन लैन, तो कौंसल को चाहिए कि मुतलका जोड़ा भी इदारा उसको लगता है वो उससे फौरन कार्रवाई करे,
और उसको अमल च लैके आवे। जो दो चार पांच कुड़ियां मुंडे बैन होंगे जो इस तरह की हरकत करेंगे फिर सारे ने एडवांस खाना भी छड़ देना और प्रॉपर टाइम पर पहुँचना भी जरूर शुरू कर देना। इसकी सजेशन है तुहाडी किसी ड्रामे नूं बैटर किस तरह कर सकते हैं असी वक्त नूं अगर वापस नहीं लिया सकते तो जिहड़ा वक्त साढ़े कोल है असी इहनूं ठहरा किस तरह सकते हैं किस तरह की असी बैटरमेंट चाह सकते हैं। कोशिश सानूं यह करनी चाहिए है कि ड्रामे जिहड़े होवन सिचुएशनल होवन सिचुएशनल ड्रामे होवन उस च ना तो वलगरैटी होएगी और पब्लिक नूं भी मज़ा आएगा और जिहड़ी साड़ी रूठी पब्लिक है वह वापस आएगी प्लस उस तो बाद सोंग्स वगैरह ने वो जरा साफ सुथरे होने चाहिए जेडे कि लिंक ही चावन लिंक जो सोंग उत्तर सूट करता होना चाहिए और क्यों मिले फिर गाना चले ये नहीं कि गाना ला दो अक्सर आवाज़ लगती है ला दे भाई गाना यह नहीं होना चाहिए लिंक प्रॉपर क्यू बाई क्यू चलना चाहिए ड्रामा जो क्यू बाई क्यू तुम ड्रामा करोगे सिचुएशनल ड्रामे रखोगे तुहाड़ी पब्लिक भी वापस आ जाएगी और लोग मज़ा मज़ा का मज़ा भी लैणगे और साड़ी पब्लिक वधेगी फैमिलीज भी आएंगी। असी तो चाह रहे हैं कि अल्लाह करे वो दिन आवे लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है जो हालात होए पे। जी नाजरीन शहर गुजरात च एक वक्त सी 97-98 जब मैं अपने फन का आगाज़ किया अपनी इब्तदा की थी, ते उस दौर दे विच एक पिक्चर सी उहदा एक गाना सी कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे तो वह असी एक छोटा जिहा पीस जिहड़ा ना साढ़े ड्रामे चलता सी जिहड़ा मैं ड्रामा कर रहा सा और वो लोग हलकान हो जाते सन जज्बाती हो जाते सन सिर्फ उस पीस नाल और उस डांस नहीं सी हुंदा सिर्फ लड़की मूवमेंट करती सी लेकिन खैर चलो डांस अगर आ गया डांस भी होना चाहिए बकौल रेलजा साहब दे कि चलो उन्हूं किसी अच्छे तरीके नाल लिंक नाल स्टोरी च ऐड करके जिस तरह फिल्म च एक स्टोरी एक थीम होंदी है उसके मुताबिक गाने जिहड़े चल रहे होंदे ने अगर उन्हूं असी थोड़ा जिहा इस तरीके नाल कर लांगे तो मे बी मैनेज हो जाएगा। रेलजा साहब मैं बहुत तुहाडा शुक्रिया अदा करना तुसीं साडे चैनल नूं स्पैशली टाइम दिता है साडे चैनल की तरफों साडे नाजरीन नूं कोई एक पैगाम दे दिओ कोई एक मैसेज दे दिओ। बस एक ही गल करांगा कि शेर है कि सोचूं तो सलवटों से भरी है तमाम रूह हाँ सोचूं तो सलवटों से भरी है तमाम रूह देखूं तो एक शिकन नहीं लिबास में मेरे। वाह 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 देखूं तो एक शिकन नहीं है लिबास में मेरे। रहलजा साहब तुहाडा बहुत शुक्रिया नाजरीन दे नाल ही मैं तुहाडे कोलों इजाजत चाहवांगा एक दफा फिर तुहाडी खिदमत च हाजिर होवांगा एक नवे मेहमान नाल उदों तक इजाजत दिओ पाकिस्तान जिंदाबाद। एक अच्छा जिहा शेर सुना दिओ सराइकी लाल तकड़ी तुलदे डिठे सियाणे गल्लां तू बुलदे डिठे नहीं आवाज़ थोड़ी जी कढ़ो इंज ना करो लाल तकड़ी तुलदे डिठे सियाणे गल्लां तू बुलदे डिठे सहर रुल गई ते केड़ी गल्ले शाह भी गलियां च रुलदे डिठे। वाह जी वाह सहर रुल गई ते केड़ी गल्ले शाह भी गलियां च रुलदे डिठन ते रुलदे गए हैं पर चस बड़ी आई है ते साढ़े नाल जनाब मौजूद सन सहर मुल्तानी साहब तो जनाब इन्हों का बहुत शुक्रिया इन्होंने साडे चैनल वास्ते टाइम दिता तो असी तुहाडे मशकूर ते ममनून हाँ तो इहदे नाल ही नाज़रीन मैं तुहाडे कोलों इजाजत चाहवांगा फिर इंशाल्लाह हाज़र होवांगा तुहाडी खिदमत च एक नवें मेहमान नाल उदों तक इजाजत दिओ पाकिस्तान जिंदाबाद। नई आने वाली मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए बैल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए।